नमस्कार, जनता दरबार में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन शर्मा। खबरें एक झलक में नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा कि ऐश जयशंकर का पाकिस्तान दौरा एक शुरुआत है, यहां से भारत और पाकिस्तान को अपने इतिहास को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। अमेरिका सरकार ने न्यूयॉर्क में रहने वाले सिख फोर्ट जस्टिस के आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में हरियाणा के रेवाड़ी के युवक विकास यादव को बताया शामिल। FBI ने विकास यादव का मोस्ट वांटेड पोस्टर किया जारी। पोस्टर में विकास की 3 तस्वीरें हैं, जिनमें से एक में वह सेना की वर्दी में नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 लड़कियों को बंधक बनाने के मामले में सदगुरु जग्गी वासुदेव की ईशा फाउंडेशन के खिलाफ केस बंद कर दिया है। CJI DY चंद्रचूड, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने शुक्रवार को मद्रास हाईकोर्ट द्वारा जांच के आदेश को गलत ठहराया। बेंच ने कहा कि आश्रम में पुलिस का छापा भी अनुचित था। सोने का भाव पहली बार 77,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार पहुंचा। IBGA के अनुसार सोना 522 रुपए महंगा होकर 77,332 रुपए के स्तर पर है। वहीं चांदी 335 रुपए की तेजी के साथ 91,935 रुपए प्रति किलो पर बिक रही है, जबकि एक दिन पहले यह 91,600 रुपए पर थी। बाल विवाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। CJI DY चंद्रचूड, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि बाल विवाह रोकने के लिए जागरूकता की आवश्यकता है, केवल सजा के प्रावधान से कुछ नहीं होगा। लंदन में आयोजित राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर मीट के दौरान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री राइजिंग राजस्थान पहल को सफल बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, जिससे 2047 तक विकसित राजस्थान का लक्ष्य हासिल करने की मजबूत नींव रखी जा रही है। जयपुर में चिकित्सा विभाग के तत्वाधान में 60 दिवसीय टोपको फ्री यूथ कैंपेन 2.0 चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत शहर और गांव-गांव में आशा सहयोगिनियों द्वारा सार्वजनिक स्थलों की दीवारों पर तंबाकू के दुष्प्रभावों के स्लोगन लिखे गए और नशे की प्रवृत्ति से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तमन्ना भाटिया से ED ने गुरुवार को गुवाहाटी में HPZ टोकन मोबाइल ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की। एक्ट्रेस को HPZ टोकन ऐप से जुड़े एक कार्यक्रम में सेलिब्रिटी अपीयरेंस से पैसे मिले थे। इस ऐप के जरिए कथित तौर पर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के नाम पर लोगों को धोखा दिया गया। न्यूजीलैंड की टीम भारत के खिलाफ बेंगलुरु टेस्ट की पहली पारी में 402 रन पर ऑल आउट हो गई। तीसरे सत्र में भारतीय टीम ने दूसरी पारी में 2 विकेट के नुकसान पर 121 रन बना लिए। विराट कोहली और सरफराज खान नाबाद, रोहित शर्मा 52 और यशस्वी जायसवाल 35 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान ने मुल्तान में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 152 रन से हरा दिया। यह पाकिस्तान की टीम की 1338 दिन बाद घरेलू मैदान पर पहली टेस्ट जीत है और 449 दिन बाद यह फॉर्मेट में मिली जीत है। इस जीत के साथ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। पहले टेस्ट में इंग्लैंड ने जीत हासिल की थी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार।